अपर सहायक शिक्षक फेडरेशन अपनी वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर स्थित धरना स्थल पर 5 सितंबर को प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से सहायक शिक्षक संघ के शिक्षक पहुंचेंगे, जो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। बता दें कि सहायक शिक्षक विगत 23 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत है, न तो उन्हें कर्मोन्नति का वेतन मिला है और न ही पदोन्नति का वेतन मिला है। बता दें कि व्याख्यात व शिक्षक के वेतन में समानुपातिक अंतर है, किंतु शिक्षक व सहायक शिक्षक के वेतन में बहुत ज्यादा अंतर है। 1,09,060 शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने भी सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को स्वीकार किया है और जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया है, पर अभी तक सरकार का 3 साल का कार्यकाल होने वाला है, पर वादा पूरा नहीं किया गया है। सहायक शिक्षक फेडरेशन की सिर्फ एक सूत्री मांग है, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना। क्योंकि हम लोग जो है जैसी सम्मेलन हुआ है 2018 में, 1 जुलाई 2018 को जो सम्मेलन हुआ है, पूरी तरीके से वेतन विसंगति युक्त है। उसमें ढेर सारी हमारी जो हमारी पुरानी सेवा थी उसको जीरो कर दिया गया है। हम उसी सेवा को पुनर्वापसी के लिए सहायक शिक्षक, जो कि प्रदेश में 1,09,000 सहायक शिक्षक कार्य कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी सेवा है, समयमान वेतन मान के आधार पर हमको एक क्रमोन्नति में मान प्रदान किया जाए, जिससे वर्ग 1 और 2 में जो वेतन में कम अंतर है, हमारा भी वर्ग 2 और 3 में जो अंतर है वो काफ़ी कम हो जाए। आने वाले समय में सितंबर में किस तरह का आंदोलन आपको हम लोग जो है 5 तारीख को बूढ़ा तालाब में सभी चारों दिशाओं से आएंगे, वहाँ पर एकत्रित होंगे। उसके बाद सीएम निवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे और निश्चित तौर पर इस बार जो हमारी भीड़ होगी काफ़ी अच्छी होगी और अपने आंदोलन का आगाज यहाँ 5 तारीख से करने वाले। उसके बाद भी अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो अगला किस तरह से कदम रहेगा? अगर हमारी 5 तारीख के आंदोलन के बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम उसको चरणबद्ध तरीके से जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, उसके बाद जिले में जाएंगे और जनवरी प्रथम सप्ताह में हम अनिश्चितकालीन आंदोलन रायपुर बूढ़ा तालाब में करेंगे। वेतन का जो अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, किस तरह की आप लोग बढ़ाने की मांग? वर्ग 1 और 2 में जो वेतन का अंतर है 2 से 3 हज़ार का है, लेकिन वर्ग 2 और 3 में जो अंतर है 12 से 15 हज़ार का है, क्योंकि हमारा जो फिक्सेशन किया गया है वो न्यूनतम में किया गया है, इस वजह से इसमें अंतर आ रहा है। मैं मनीष कुमार मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक।